हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेंशन भारत। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हीमोस्टैटिक सॉल्यूशन की, जो कि हीमोस्टाइल के नाम से आती है। आप इसे लगभग 200 से 250 की रेंज में खरीद सकते हैं। कहां, कब और कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। अनबॉक्स करने के बाद आपको एक बोतल नज़र आएगी। इसमें लगभग 15 ml सॉल्यूशन मिल जाता है और एक इसमें मैनुअल पेपर भी मिलेगा, जिसे आप पढ़ के इसे यूज कर सकते हैं। एक इसमें आपको डिस्पेंसिंग ड्रॉपर मिल जाता है, जिसको आपको प्रेस करके आप इसमें सॉल्यूशन को ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम इसकी कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे 25% बफर्ड एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। सेकंड नंबर पे ग्लिसरीन होती है और इसमें प्योरीफाइड वाटर भी होता है। एक्शन की बात करें, इसमें जो 25% बफर्ड एल्युमिनियम क्लोराइड है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण जब वो ब्लड प्रोटीन से इंट्रैक्ट करता है तो एक बैरियर बनाता है कोगुलेटेड प्रोटीन के जरिए और ब्लड वेसल के आउटफ्लो को स्टॉप करता है। इसमें जो ग्लिसरीन है वो सोल्यूशन के एक्शन को बढ़ा देता है और ब्लीडिंग एरिया को ड्राई रखता है और उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। के फॉर्म्स की बात करें तो ये दो फॉर्म में आता है, एक तो हीमोस्टैटिक सॉल्यूशन के रूप में, दूसरा हीमोस्टैटिक जेल के रूप में आता है। तो आप इसे दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसके कारण किसी भी सॉफ्ट या हार्ड टिश्यू पे कोई भी स्टेन्स नहीं आते हैं। इसके कारण कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एपिनेफ्रिन फ्री होता है और इसको इजीली रिंस किया जा सकता है। गाइस, इंडिकेशंस की बात करें तो हम इसका यूज माइनर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जिंजाइवल सल्कस में जिंजाइवल रिट्रैक्शन कोर को प्लेस करने पर और इंप्रेशन से पहले जिंजाइवल रिट्रैक्शन कोर को निकालने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, हम उस ब्लीडिंग को इससे स्टॉप कर सकते हैं। ग्राउंड प्रिपरेशन से पहले हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रोस्थेटिक रेस्टोरेशन के लिए इनलेस, क्राउन, विनियर्स और ब्रिज को लगाने से पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। मैट्रिक्स बैंड और सर्वाइकल मैट्रिसेस को प्लेस करने से पहले इसका यूज किया जाता है, ताकि जिंजाइवल ब्लीडिंग वहाँ से ना हो। और गाइस, हम इसे ओरल प्रोफाइल एक्सेस में भी यूज करते हैं। जब गम से कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको स्टॉप करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। गाइस, कई बार ओवरग्रो जिंजाइवा पेपिला के कारण भी ब्लीडिंग होती है, उसको स्टॉप करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। हम इसके यूज करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉटन लेनी है, उस कॉटन को सॉल्यूशन में डुबो लेना है, थोड़ा सा उस कॉटन को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद उस कॉटन को आपको ब्लीडिंग एरिया पे प्रेस कर देना है, थोड़ी देर के लिए लगा के रखना है और उसको आपको 2 से 3 मिनट तक अप्लाई करके रखना है। उसके बाद वहाँ से हटा देना है। जो भी ब्लीडिंग हो रही होती है उसको ये स्टॉप कर देगा। यदि आप हीमोस्टैटिक जेल को यूज कर रहे हैं तो आपको कॉटन टिप एप्लीकेटर को लेना है, जो कि जनरली हम बॉन्डिंग एजेंट और एजेंट के लिए यूज करते हैं। उस टिप से आपको थोड़ा सा जेल उस पर अप्लाई करना है, उसको 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ देना है और उसके बाद उस कॉटन टिप को हटा लेना है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।